नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल GOVPVT को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की सुर्खियों की ओर। बिहार के केंद्रीय विद्यालयों में निकली भर्तियां, शिक्षक संघ 26 मार्च को करेंगे आंदोलन। 2000 के करीब लोगों को मिली जमीन खरीदने के लिए राशि। बिहार में बढ़ाई जाएगी SDRF कर्मियों की संख्या। कप्तान बनने के बाद रविंद्र जडेजा की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के केंद्रीय विद्यालयों में निकली भर्तियां, बेरोजगार बैठे लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। साथ ही शिक्षक बनने के इच्छुक CTET अभ्यर्थी के लिए भी ये खबर महत्वपूर्ण साबित होगी। दरअसल बिहार के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में भर्तियां निकाली गई है। ये भर्तियां शिक्षक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, कोच, नर्स और काउंसलर जैसे पदों के लिए निकाली गई है। इन सभी पदों के लिए आने वाले 15 दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अलग अलग 5 जिले यानी कि पटना, समस्तीपुर, सारण, छपरा और खगड़िया में निर्धारित समय पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के केंद्रीय विद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। BSSC द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय में 2247 पदों के लिए निकलेगा विज्ञापन। BSSC जल्द ही तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन निकालने वाला है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से लगभग 2247 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। आपको बता दें कि BSSC की तरफ से सचिवालय सहायक के लिए 1360, मलेरिया निरीक्षक के 74 पद, अंकेक्षक निदेशालय के लिए 370 पद, योजना सहायक के 84 और 41 पद, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 2, सहयोग समितियों के 256 पद, गृहपति सहलिपिक के 20 पद केवल महिलाओं के लिए है और गृहपति सहलिपिक 40 पद के लिए एप्लीकेशन दिया गया है। आयोग की तरफ से अप्रैल में नई वैकेंसी के लिए आवेदन लिया जा सकता है। शिक्षक संघ 26 मार्च को करेंगे आंदोलन। सातवें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर पहले से ही अभ्यर्थियों में आक्रोश था और अब इसके बाद BPSC द्वारा बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए जारी किए गए विज्ञप्ति और उसमें अनुभव की बाध्यता को जोड़े जाने से TET शिक्षकों का आक्रोश चरम पर है। इसके लिए नियोजित शिक्षक संघ 26 मार्च को सभी जिलों में जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। दरअसल इस मामले में पटना उच्च न्यायालय में वाद दायर किया जा चुका है। मामला अभी लंबित है। बगैर फैसला आए इस प्रकार विज्ञप्ति निकालने पर नियोजित शिक्षकों में आक्रोश है। लगातार 4 दिनों में तीसरी बार बढ़ा पेट्रोल डीजल का दाम। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से सभी आम जन जीवन त्रस्त है। लगातार 4 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है। जहां 22 और 23 मार्च को भी 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी, एक बार फिर से आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 से 85 पैसे की वृद्धि कर दी है। इस सप्ताह ये तीसरी बढ़ोतरी है। पटना में शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत 107.55 रुपए से बढ़कर अब 108.37 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की नई कीमत 92.69 रुपए से बढ़कर 93.49 रुपए प्रति लीटर हो गई है। NTPC ने निकाली भर्तियां, बेरोजगार बैठे लोगों के लिए अच्छी खबर है। NTPC लिमिटेड ने पावर ट्रेडिंग विभाग और कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में एग्जीक्यूटिव के 55 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगी है। इसके लिए आवेदन आज से शुरू हो गया है। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 अप्रैल 2022 तक है। आवेदन के लिए आप NTPC की आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको यह भी बताते चले कि पावर ट्रेडिंग पदों के लिए न्यूनतम 3 साल और एग्जीक्यूटिव पदों के लिए न्यूनतम 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। मोतिहारी और मुंगेर में खोले जाएंगे नए मेडिकल कॉलेज। बिहार सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। गंभीर बीमारियों के इलाज से लेकर जागरूकता तक सरकार ठोस कदम उठा रही है। वहीं मेडिकल शिक्षा की उच्चतम व्यवस्था के लिए भी बिहार सरकार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मोतिहारी और मुंगेर में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। दरअसल राज्य में मोतिहारी और मुंगेर में 2022-23 में 2 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाने की तैयारी हो रही है। इन मेडिकल कॉलेज में MBBS की 150-150 सीटें होंगी। सरकार के स्तर पर इसकी मंजूरी मिल गई है। वहीं नालंदा में नए डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल का निर्माण अंतिम चरण में है। गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, अगले 5 दिनों में चलेगी लू। राज्य में अभी से ही भीषण गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 के पार पहुंच गया। बीते दिन पटना बिहार का सबसे गर्म स्थान रहा। गुरुवार को पटना का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग की माने तो पछुआ हवा का प्रवाह निरंतर जारी है। प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं पछुआ हवा के प्रभाव से अगले 5 दिनों में लू चलने की संभावना है। इसके साथ आने वाले समय में 2 से 4 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना भी जताई गई है।
2000 के करीब लोगों को मिली जमीन खरीदने के लिए राशि। बिहार के सभी बेघर लोगों के लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि राज्य के सभी आवास विहीन परिवारों के लिए सरकार हर हाल में घर बनाएगी। आवास देने में अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इस योजना में जहां लोगों के पास जमीन नहीं है, वहां के लाभुकों को जमीन खरीदने को पैसा दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि इसके तहत कुल मिलाकर 3,045 लाभुकों का निबंधन किया गया है। इनमें 1,890 लाभुकों को 60,000 रुपए सहायता राशि दी गई है। 10वीं और 12वीं टर्म 2 परीक्षा के लिए बनाए गए 732 परीक्षा केंद्र। बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। वहीं इंटर का रिजल्ट भी रिकॉर्ड समय पर दे दिया गया है। अब बस 10वीं के रिजल्ट का इंतजार है। इसके बाद अब सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के परीक्षा के लिए तैयारियां की जा रही है, जिसमें पहले टर्म की परीक्षा हो चुकी है। अब दूसरे टर्म की तैयारियां चल रही है। इसके लिए राज्य भर में 732 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र को दोगुना किया गया है। इस बार टर्म 2 परीक्षा में एक कमरे में 24 बच्चों को बिठाया जाएगा। ज्ञात हो कि टर्म 2 परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों की गड़बड़ी पर तुरंत होगी कार्रवाई। आए दिन सरकारी मामले में फर्जीवाड़े का मामला सामने आता है। इस पर विभाग कार्रवाई भी करती है, लेकिन फिर भी लोग इससे बाज नहीं आते हैं। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर निर्देश आया है। इसमें कहा गया है कि राज्य भर में आंगनबाड़ी केंद्रों में जहां भी गड़बड़ी पाई जाएगी, तुरंत कार्रवाई की जाएगी और इसकी जानकारी विधायक देंगे, जिसके बाद जांच की जाएगी। विधानसभा में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने यह घोषणा करते हुए 8,132 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बिहार में बढ़ाई जाएगी एसडीआरएफ कर्मियों की संख्या। बिहार में बाढ़ की स्थिति में जिस तरह से नीतीश सरकार ने सामुदायिक किचन मॉडल के जरिए लोगों को भोजन उपलब्ध कर मदद पहुंचाई है, उसकी तारीफ देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में आपदा से मुकाबले के लिए एसडीआरएफ में कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए। बीते दिन आपदा प्रबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुराने कार्यों और अनुभव को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाकर काम किया जाए। इसके साथ ही पिछले 14 वर्षों में प्रभावित क्षेत्रों के आकलन के आधार पर स्थल चयन कर रिस्पॉन्स फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करने को कहा गया है। डाक सेवक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक की नियुक्ति में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। डाक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल अप्रैल में बिहार पोस्टल सर्किल ने बिहार ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2021 के तहत 1940 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा था। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन करना था। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक थी। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों में से लगभग 40% के मैट्रिक परीक्षा के अंक 95% से अधिक पाए गए। इसको लेकर डाक विभाग को फर्जीवाड़े का शक हुआ। इसके बाद ही विभागीय स्तर पर जांच शुरू हो गई। पटना हाईकोर्ट को मिले 2 नए जज। केंद्र सरकार ने देश के 6 उच्च न्यायालयों में 14 जज और 6 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की है, जिसमें से 2 जज पटना हाईकोर्ट को भी मिले हैं। केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2022 को इस संबंध में एक अधिसूचना भी निकालकर इस बात की पुष्टि की है। पटना हाईकोर्ट को 2 नए जज मिलने के बाद भी जज की 26 पद अभी भी खाली रह जाएगी। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कोर्ट से राजीव रॉय और हरीश कुमार बतौर हाईकोर्ट जज शपथ ग्रहण करेंगे। बता दें कि पटना हाईकोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत पद 53 है, जबकि यहां पर सिर्फ 25 जज ही कार्यरत है। 2 नए जजों के शपथ ग्रहण के बाद ये संख्या बढ़कर 27 हो जाएगी। मुकेश सहनी ने कहा, मैं झुकूंगा नहीं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी पुष्पा का डायलॉग मारने से पीछे नहीं हटे हैं। मुकेश सहनी ने भी कहा है कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। वीआईपी के 3 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद बीते दिन उन्होंने कहा कि मैं संघर्ष की बदौलत यहां तक पहुंचा हूं, आगे भी संघर्ष करता रहूंगा। अपने निषाद समाज और गरीब गुरबों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखूंगा। मुकेश सहनी ने कहा, मेरी क्षमता को देखते हुए ही साल 2020 के विधानसभा चुनाव में मुझे एनडीए के तहत 11 सीटें मिली थी। उन्होंने ये भी कहा कि 2020 में भाजपा ने मेरे सहयोग से बिहार में 74 सीट जीती थी, इसलिए मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है। कप्तान बनने के बाद रविंद्र जडेजा की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। आईपीएल 2022 की शुरुआत से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करोड़ों फैंस को झटका दे दिया है। बीते गुरुवार को धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला ले लिया। साथ ही उन्होंने कप्तानी की जिम्मेदारी टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को सौंप दी है। सीएसके की कप्तानी मिलने के बाद रविंद्र जडेजा ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। जडेजा ने कहा है कि अच्छा लग रहा है, लेकिन माही भाई ने पहले ही बड़ी विरासत स्थापित कर दी है, जिसे मुझे आगे बढ़ाने की जरूरत है। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धोनी यहाँ है। मेरे पास जो भी प्रश्न है, मैं उनके पास जा सकता हूँ। वो मेरे जाने माने व्यक्ति थे और अब भी है, इसलिए मुझे चिंता नहीं और आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है शंकर मुखिया, नुनु कुमार, आर्थिक कुमार, अभिषेक कुमार, आकाश महतो, विशाल कुमार, जयसवाल, रंजीत मिश्रा, ध्रुव कुमार, राजू कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार आपदा से सुरक्षा के लिए जो कदम उठा रही है, वो फायदेमंद साबित हो रही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करें।
करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।